अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लक्ष्मी किचन। आज हम मटन कीमा बनाने जा रहे हैं कटे मसाले का। इसके लिए हमने 300 ग्राम मटन लिया है और ये 300 ग्राम प्याज है। चार प्याज लिए हमने मीडियम साइज़ के, उसको बारीक काट लिया। एक लाल मिर्चा है जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। एक ये दालचीनी है, बड़ी इलायची, चार पांच लौंगे हैं, दो हरी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी का छोटा ये जावित्री का टुकड़ा है, तेज़पत्ता है। एक टमाटर है जिसको हम बाद में काट के डालेंगे। ये अदरक है कटी हुई 2 चम्मच। ये लहसुन की 10-15 कलियां हमने काट ली है। तेल हमारा गर्म हो गया, थोड़ा सा हमने तेल ले लिया है। इसमें सूखे मसाले डाल ले रहे हैं। साबुत मसाले डालने के बाद हमने इसमें प्याज भी डाल दिया। और इसको थोड़ा सा गुलाबी होने देंगे। इसमें हमने 100 ml जो है 100 ml सरसों का तेल लिया है। तो प्याज को हम थोड़ा सा गुलाबी कर लेंगे, उसके बाद इसमें तेल डालेंगे। थोड़ी सी प्याज गुलाबी हो गई है, अब इसमें हम ये अदरक लहसुन जो हमने काटा था इसको डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लेंगे इसके साथ। देखिए इसको भी भुन गया है, ये अदरक लहसुन भी उसके साथ। तो इसमें हम ये कीमा डाल देंगे। अब इसमें ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और ये 1/2 चम्मच नमक। कीमा यहाँ पर हमने मोटा लिया है, ये मोटे कीमे का अच्छा बनता है। कीमा को अच्छे से भुन गया है, तो पानी बिल्कुल जल गया है कीमे का। अब हम इसमें थोड़ा सा 1/2 कप पानी डाल के इसमें 10 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखिए 10 मिनट के बाद हमने कुकर को खोल दिया। इसकी स्टीम ख़त्म होने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल के भून लेंगे। देखिए टमाटर हमने इसमें डाल दिए हैं, इसको स्लो फ्लेम करके ढक्कन को यूं ही ढक देंगे जिससे टमाटर गल जाए। ये देखिए अब ये कीमा अच्छे से भुनने लगा है, टमाटर भी गल गए हैं इसके। थोड़ी देर और भून लेंगे। ये एक हरी मिर्च ली हमने, इसको बीच से कट कर दिया, इसको भी इसी में डाल देंगे। देखिए बिल्कुल जैसे कीमा भून गया है। हमने गैस ऑफ कर दी। ये देखिए कटे मसाले का कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है खाने में और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।